जा रही है? शॉपिंग करने के लिए जरा कुछ चीजें चाहिए थी। ऐसे जा रही है इतनी तैयार होके? ढंग से जा, मल्ले वाले बातें करेंगे सौसे। ठीक है अम्मा, दुपट्टा लिया तो हुए, सर पे ओढ़ लेती हूँ फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, ये मिठाई आई है पड़ोस से। कहाँ? आकिब के घर से आई है? जी जी, उन्हीं के घर से आई है। किस खुशी में? जी आकिब का रिश्ता पक्का हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। अच्छा, कहाँ पक्का हुआ है? पता नहीं जी, ये तो मैंने नहीं पूछा। बीबी जी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, बस ऐसे ही, आज बीपी जरा हाई हुआ है। आए शब्बो, पक्की बात है? तुमने सही से सुना था, आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है? जी जी, आकिब का ही रिश्ता पक्का हुआ है, अगले हफ्ते तारीख भी पक्की हो जाएगी। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ, बर्तन आप बाद में भिजवा दीजिएगा। हाँ भिजवा दूंगी, जा तू। आकिब नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा, वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? अभी पता करती हूँ। हेलो आकिब। हाँ भाई, लगता है मिठाई पहुंच गई है। यकीनन मुबारकबाद देने के लिए कॉल की हूँ। क्या मतलब, तुम्हारा वाकई किसी से रिश्ता हो गया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आकिब? तुम धोखेबाज हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? इसका मतलब कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। और रुको तो सही, एक ही सांस में सब कुछ बोली जा रही। मेरी माँ की पसंद से आ रही है मेरी दुल्हन, तुम्हारा नाम कैसे लेता? तुम एक तलाक ही आफ्ता, तुम्हारा नाम लेता। वैसे तुम उदास ना हो, हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी ना। बकवास अपनी बंद करो, मैं अभी तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी कि कितने सालों से तुम्हारा मेरा चक्कर चलता आ रहा है, तुम कैसे किसी और के साथ जाकर शादी कर। बस करिए, बड़ी अकड़ती थी ना, अब पता चली है इसको अपनी असल औकात। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? बेखैरियत कहीं की है? सही कहता था उरफान, कि तू छत पे इस लड़के से छुप छुप के मिलती थी, तुझे शर्म नहीं आई? बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने? मेरे लाड प्यार के बारे में भी नहीं सोचा? काश ये थप्पड़ तुझे मैं पहले मारती, ताकि तेरी जिंदगी तो बच जाती। तुझे पता है तूने अपने साथ क्या किया है? बदनाम हो गई पूरे मोहल्ले में, सब तू तू करते हमारे मुंह पर। जानती है क्या कहते हैं तुझे? तलाक याफ्ता बदनाम लड़की। अरे जा, तू जैसी बगैरत से कौन शादी करेगा? बदनाम और तलाक याफ्ता लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। जलील करा दिया तूने हमें, अपने भाइयों के बारे में भी नहीं सोचा। वो कैसे सर उठा के फिरेंगे? बाप का भी ख्याल नहीं आया तुझे? बर्बाद हो गए हम, लुट गए, बर्बाद हो गए हम, जलील हो गए हम पूरे मोहल्ले में। तुझे शर्म ना आई? उसके घर जाएगी, लाख लाना थे तेरे पे। उसके घर जाके भीख मांगेगी, क्या करेगी और क्या करेगी हमारे साथ? क्या करेगी, क्या करेगी? ओए धूप जी, बर्बाद हो गए ये धूप जी, माफ कर दे मुझे, मेरे से गलती हो गई। मैंने अपनी बच्ची की तरबियत नहीं सही की, माफ कर दे ये धूप जी।